हेलो फ्रेंड, चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें टाटा ग्लोबल वेंचर के बारे में, कंपनी के बारे में। ये बात जान लो, देख लो पूरी जन्म कुंडली इसकी, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, अगर बाय किया है तो देख लो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में टाटा ग्लोबल वेंचर का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो टाटा ग्लोबल वेंचर का एक 10 मार्च को अपडेट भी आया। ये अपडेट क्या आया उस पर चलेंगे, लेकिन शेयर की थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। देखो एक बार टाटा ग्लोबल का फंडामेंटल चेक कर लेते। देखो मात्र कंपनी कितना है, मात्र 18 करोड़ की कंपनी, मान सकते हो ऑलमोस्ट 18 करोड़ की कंपनी। स्टॉक पीए है 6, आर ए 0.10 है, आर ए 0.- में है। ध्यान रखना डेप्थ नहीं है, प्लीज नहीं है। प्रमोटर के पास में 38% की हिस्सेदारी है। डीए वाले नाम मात्र के, एफ आई वाले है नहीं। वॉल्यूम भी हो रहा, अर्निंग पर शेयर 18 पैसा है। कंपनी में कैश पड़ा है 13 करोड़ का, माई गोड। बट एसेट भी है 12 करोड़ का, जबकि लाइब्रेरीज है जो 6-7 करोड़ की है। क्वार्टर सेल्स हो नहीं रही है, सेल्स ग्रोथ इसकी 19% है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट माइनस में है। बुक वैल्यू 1.85 रुपये है, करंट प्राइस 1.17 रुपये है। देखो दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। कैसे? देख, छोटी सी कंपनी 18 करोड़ की, वो भी डेट फ्री है, प्लीज फ्री है। प्रमोटर के पास में 38% की हिस्सेदारी है। डीए वाले नाम मात्र के, कंपनी में केस पड़ा है बहुत ज्यादा, एसेट भी पड़े हैं। अब और बुक वैल्यू के नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है। देख लिया कंपनी का बिजनेस मॉडल भी, देख लेते हैं। फंडामेंटल चेक किया, स्ट्रॉन्ग है पेनी स्टॉक के अनुसार। बट अब बिजनेस मॉडल देखते हैं। ज़्यादातर कंपनी टेक्सटाइल में है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट वगैरह, सिक्योरिटी डेप्ट रिलीज ये काम है। इस वजह से ही ये कंपनी गिरी थी, जबकि 4.18 रुपये का 52वीं खाई बनाया था, क्योंकि ये ट्रेडिंग वगैरह काम करती है तो वो चल नहीं रहा है। नॉर्मल डिटेल ले ली। अब चलते हैं यहाँ पर कि एडवांस चार्ट क्या बोल रहा है। एडवांस चार्ट यहाँ पर इसका 52वीं लो 90 पैसा है, करे और 52वीं हाई 4.18 रुपये, 52वीं लो के आसपास मिल रहा है। अब एडवांस चार्ट पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, एडवांस चार्ट को मैं सेट कर लेता हूँ, फिर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, इस कंपनी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ये लास्ट टाइम पर कहाँ पर, यहाँ पर इसने जुलाई के अंदर 2021 में सपोर्ट लिया था, फिर एक तेजी आई थी, फिर गिरा। और यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है, को एक सपोर्ट ये हो गया, एक दूसरा ये बन जाता है, और यहां पर ये बन जाता है, ये बन जाता है। तो ये इसी लाइन पर है। अगर ये लेवल टूटती है तो ये तबाही बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है 52वीं लो को तोड़ेगी, क्योंकि तोड़ने के लिए कोई जगह बची है क्या भाई। ये सपोर्ट है इसका, देखो मैं इसको फुल आपको करके दिखा देता हूं। ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट इसका टूटता है तो कहाँ जाएगी कंपनी भाई। ये सपोर्ट है, नीचे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो आपको 90 पैसे 95 पैसे 1 रुपये के नीचे नीचे मिले तो फ्रेश इंट्री कर सकते हो, लाखों रुपए लगाना नहीं है, पेनी स्टॉक है, ठीक है। और वैसे सपोर्ट देख लेते, 1 रुपये 11 पैसा, 1 रुपये 4 पैसा, 97 पैसा, 90 पैसा, 52वीं लो है, तो वहाँ से नीचे नहीं जाएगा। और कंपनी पूरी स्टेबल है, देखो 38% की हिस्सेदारी है, वो भी वैसे की वैसी बनी हुई है। अब यहाँ पर इंडिकेटर देख लेते हैं, और यहाँ पर देखो दोस्तों, वीकनेस 13 है इस कंपनी में, और स्टॉक 5 है, अपॉर्चुनिटी 3 बन रही है, टेरिस भी 1 है इस स्टॉक में। और यहाँ पर देखो पॉजिटिव इंडिकेटर 9 है, नेगेटिव 11 है, मतलब धीरे धीरे शेयर है पॉजिटिव ट्रेंड में आ रहा है। वो देख लेते हैं शेयर, देखो बेरी जोन में पड़ा हुआ है, बुलिस अभी आया नहीं है, शेयर है बेरी जोन पर ही है। सपोर्ट मैंने आपको बता भी दिया है। अब यहाँ पर इस कंपनी में प्रमोटर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तो प्रमोटर है इस कंपनी में, और पब्लिक की बड़ी बड़ी हस्ती है, मतलब लोगों ने दबा के माल खरीद रखा है, तो ये पागल तो है नहीं, उन्होंने भी स्टडी की है ना, तो इसका मतलब बड़ा होने वाला है। कंपनी आपको 99% डिस्काउंट मिल रही है, प्लस पब्लिक की बड़ी बड़ी फर्म ने माल उठाया है, और प्रमोटर भी 8 है, दबा के माल उठा रखा है, तो हम मान सकते हैं कि कोई कुछ तो बड़ा होने वाला है। प्लस यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी है इसके अंदर, ये भी बहुत अच्छी बात है। नवंबर 2022 के बाद में कोई मंगल ग्रह का आतंक देखने को अपन को नहीं मिला। अब आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ मार्केट बंद है, किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है कमेंट कर देना। टाटा ग्लोबल वेंचर का आपके पास में यूनिट है ना, तो लॉन्ग टाइम का नजरिया रख सकते हो, जल्दी 52वीं हाई को ये क्रॉस कर देगी। जैसे मार्केट स्टेबल आता है, मार्केट में चल आती है, मार्केट में तूफानी तेजी आती है, इसमें भी अपर सके लग जाएगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा लग्जरी है, डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है टाटा ग्लोबल में। लॉन्ग टाइम का नजरिया देखो। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक